हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। नाउ वी कंटिन्यू विद वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इट्स डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम और स्पीड इन ए डिफाइनेट डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम या स्पीड किसी एक डायरेक्शन में। स्पीड रिलेटेड होती है डिस्टेंस से, तो वेलोसिटी किससे रिलेट होएगी? डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इंटरवल। सिंस डिस्प्लेसमेंट इज एसोसिएटेड विद डायरेक्शन, वेलोसिटी इज आल्सो एसोसिएटेड विद डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होएगी? सेम होएगी जो डायरेक्शन होएगी डिस्प्लेसमेंट की। तो ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या है? मीटर पर सेकेंड, और सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर पर सेकेंड। अदर यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी क्या है? किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर मिनट एक्सेट्रा। When the velocity of a body is not constant, जब velocity body की constant नहीं है, then we have find the average velocity, हमें average velocity find करनी है। अब average velocity क्या होती है? Average velocity of a body in a given time interval is defined as the displacement of body divided by the time interval। जो displacement है उसको time interval से divide कर देंगे। If a body covers equal distance in equal interval of time, अगर equal interval of time में equal distance travel करती है, howsoever small the time interval may be, कितना ही छोटा time क्यों ना हो, तो body को हम क्या कहेंगे? Uniform velocity में है। If a body is not moving with constant velocity, अगर constant moving से नहीं कर रही है move, तो उसको हम क्या कहेंगे? Non-uniform velocity या variable velocity। For a body to move with uniform velocity, its direction should remain the same, direction same रहेगी। इसका मतलब क्या है? जो body है उसे वो travel करेगी straight line में और वो direction change नहीं करेगी अपनी। और magnitude है जो velocity का, वो हमेशा constant रहता है। जैसे distance होता है वो displacement का positive होता है, magnitude होता है। We can use the word speed also for referring to the magnitude of velocity, को हम speed भी बोल सकते हैं। बॉडी है उसकी वेरिएबल वेलोसिटी है, ठीक है, मैग्नीट्यूड कब होएगी वेरिएबल वेलोसिटी? अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज होए, डायरेक्शन चेंज ना होए। ठीक है, मैग्नीट्यूड ना चेंज होए, डायरेक्शन चेंज होए, या दोनों चेंज हो जाए। ये तीन केस हैं जब हम बॉडी को हम क्या कह सकते हैं? इट इज़ इन वेरिएबल वेलोसिटी। लेट अस अगेन इवेल्यूट द वैल्यूज ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर एग्जाम्पल 1 to 4 टेकन टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे हमने पहले करे थे ना, वो वाला कंसेप्ट लेके हम उससे इनको समझेंगे, इन एग्जांपल्स को। ठीक है, रेफर टू एग्जांपल 1। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम इंटरवल, यानी 6/3 इक्वल टू 6 था उसका टोटल डिस्टेंस, 3 सेकंड में उसने ट्रेवल किया था। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई यहाँ से? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इंटरवल, पॉजिटिव होएगी हमेशा वेलोसिटी, तो +6/3 इक्वल +2 मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो अलोंग द प्लस एक्स डायरेक्शन है। ठीक है, फॉर अ स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट रिवर्सिंग द डायरेक्शन, एवरेज स्पीड क्या आ गई हमारे पास? एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ओनली केस वेयर वी गेट द रिलेशनशिप। ठीक है, इसके बाद इसका एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल 3 है, एग्जाम्पल 4 है, ये हमने किए हुए हैं। इस मेथड से आप यहाँ पे निकालेंगे वेलोसिटी स्पीड दोनों। ठीक है, बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके बाद यहाँ पे एक नोट आता है, इन जनरल, जो जनरल में क्या होता है? स्पीड अपॉन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, स्पीड और जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, इसके बाद आती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बॉडी की क्या होती है? किसी इंस्टेंट टाइम पे, किसी एग्जैक्ट टाइम पे निकालना। वी हैव ओनली 1 फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द वेलोसिटी, का एक ही फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इंटरवल। देयरफॉर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वी कैन नॉट फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो निकाल नहीं सकते। बट एज एन अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन के तौर पर वी टेक अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, कोई छोटा इंटरवल ऑफ टाइम ले ली, यानी एवरेज निकालेंगे उस इंस्टेंट ऑफ टाइम के अराउंड एट विच द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज रिक्वायर्ड, जिस पे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। वी फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन दैट स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, उस स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में हम देख लेंगे कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, एंड यूज़ द अबव फॉर्मूला टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हम निकाल लेंगे इजिली।
इफ द टाइम इंटरवल इज इन्फाइनाइटली स्मॉल, अगर स्मॉल है देन द डिस्टेंस ट्रैवल, जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के. डिस्टेंस इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड देयर फॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड किसके इक्वल होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के. अब हम इनको समराइज कर लेते हैं, इनका कंपेरिजन होगा स्पीड और वेलोसिटी में. स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है. स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी है. ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. इट्स वैल्यू कैन नॉट बी ज़ीरो फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, और इसकी वैल्यू ज़ीरो हो सकती है अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो. जैसे डिस्प्लेसमेंट में बताया था, घूम के अगर उसी पोजीशन पे आ जाए तो क्या होती है, उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है. उसके बाद आती हैं स्पीड्स. ये स्पीड्स दी हुई हैं हमें, कौन किस कितनी स्पीड से ट्रैवल करता है. फिर यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म. मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को हम यूनिफॉर्म कब कहेंगे, अगर इफ़ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे, यानी एक सेकंड में एक मीटर, दो सेकंड में दो मीटर, तीन सेकंड में तीन मीटर ऐसे ट्रैवल करे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है. हाउसएवर स्मॉल द इंटरवल में भी, कितना ही छोटा टाइम क्यों ना हो लेकिन उसने डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है वो यूनिफॉर्म हो. इन रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स इन यूनिफॉर्म मोशन आर रेयर, वो बहुत कम होते हैं. एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन ए बॉडी इज़ नॉट मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. अगर बॉडी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर रही है, उसकी वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है, इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल देते हैं. फॉर अ बॉडी टू मूव इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इट इज़ बॉडी को नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जाने के लिए क्या करती है, वो चेंज करती है अपनी स्पीड को. सेम डायरेक्शन में जाते जाते स्पीड चेंज कर लेगी, या डायरेक्शन चेंज कर लेगी स्पीड सेम होएगी, या स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर लेगी. ठीक है. इसके बाद आते हैं इन एनी केस, किसी केस में, इन जनरल, जनरल में वी कैन से दैट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज़ चेंजिंग. हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी है जो बॉडी की वो चेंज हो रही है. नाउ अ क्वेश्चन अराइजेस, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, विच फिजिकल क्वांटिटी डिटरमाइंस हाउ फास्ट इज वेलोसिटी चेंजिंग. कौन सी जो फिजिकल क्वांटिटी है, किससे हम मेज़र कर सकते हैं कि कितनी कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है और कितनी तेज़ी से. इन अदर वर्ड्स, वट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, कितना चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम वेलोसिटी में. द आंसर इज एक्सेलरेशन. आंसर क्या है इसका, एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज फॉलोज, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम. एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम इंटरवल. ठीक है. अब 17 का ए पार्ट डायग्राम जो है यहाँ पे, ये रहा, शोज अ बोट. अब ये बोट है, ये टेक टर्न ले रही है यहाँ पे. ठीक है. ये वो ले रही है, मूव हो रही है. ठीक है. शोज अ बोट टेकिंग अ टर्न, टर्न ले रही है बोट, दैट इज चेंजिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज कर रही है. द बोट इज एक्सेलरेटेड, यानी बोट क्या होगी, एक्सेलरेटेड होगी, वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. शोज अ मोटर बाइक रेस वेयर एक्सेलरेशन प्लेज अ मेजर रोल इन विनिंग. अब ये देखो, ये मोटर बाइक रेस हो रही है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है एक्सेलरेशन का. जितनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी उतनी ज़्यादा विनिंग होगी, यानी जितनी ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ाएंगे कम टाइम में, उतनी ही ज़्यादा वो तेज़ी से वो पहुँचेंगे ना अपने टारगेट तक. फिर फॉर्मूला क्या है एक्सेलरेशन का, सपोज वेलोसिटी ऑफ ए कार ए एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t1 इज़ u, u टाइम t1 पे u है और टाइम t2 पे v है उसकी. ठीक है. वेलोसिटी तो जो ड्यूरेशन है टाइम की वो क्या है, t2 माइनस t1 इक्वल में t. टोटल टाइम कितना ट्रैवल किया, t2 माइनस t1, उसको हमने t बोल दिया. फिर चेंज कितना है वेलोसिटी में, फाइनल माइनस इनिशियल, इसमें से ये माइनस कर देंगे. ठीक है. वी माइनस यू बाय में टी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, वी माइनस यू बाय में टी. यूनिट्स क्या आती हैं एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड एंड टाइम इन 1 सेकंड. टाइम सेकंड में मेजर होता है, तो यूनिट्स क्या हो गया एक्सेलरेशन के, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन. अदर यूनिट्स आर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर सीजीएस में, किलोमीटर पर हॉर्स स्क्वायर एमकेएस में.
ठीक है, एनालिसिस आती है अब इस इक्वेशन की, ए इक्वल्स टू वी माइनस यू बाय में टी। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन को बिना चेंज करे जब बॉडी मूव कर रही है, तो अगर v ग्रेटर देन u है तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव आ जाएगी। अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी टाइम के साथ, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। अगर v लेस देन है u से, यानी a नेगेटिव है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, लेस हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी से। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है टाइम के साथ, तो वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगी, नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलेरेशन को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, अगर एक्सेलेरेशन की वैल्यू माइनस टू है, उसको हम ये नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या डिसलेरेशन दी एक्सेलेरेशन। ठीक है, अगर वी इक्वल्स टू यू है, ए ज़ीरो है, तो एक्सेलेरेशन क्या होएगी, ज़ीरो हो जाएगी, अगर वेलोसिटी सेम ही हो जाएगी फाइनल और इनिशियल। ठीक है, अब नॉट वन क्या आता है, एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दैट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज टेक प्लेस इन 1 सेकेंड 2 मीटर का ही। ठीक है, और फॉर कॉन्स्टेंट एक्सेलेरेशन एवरेज वेलोसिटी फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला वी एवरेज वी प्लस यू बाय टी। मिसकंसेप्ट क्या है, वी एवरेज क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हर किसी केस में, तो इट कैन बी यूज्ड व्हेन द मोशन इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड, अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड हो रहा है। इट इज़ नॉट यूज्ड इन अदर केसेस, किसी और केस में यूज़ नहीं होगा, अगर बॉडी मूव करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड से कुछ डिस्टेंस पे, या फिर अनदर यूनिफॉर्म स्पीड से अनदर डिस्टेंस पे, तो ये अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद इसके सॉल्व एग्जांपल्स आते हैं, इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, इनको हम तब देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन। हमारे ग्राफ्स रहते हैं, ग्राफिकल मेथड रहता है, वो हम अगली वीडियो उसके ऊपर हम अलग से बनाएंगे, उसमें बताएंगे अच्छे से एक्सप्लेन करके। उससे पहले हम ये टॉपिक्स अपने कवर कर लेते हैं। कंसिडर द मोशन ऑफ ए बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी मूव कर रही है विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की यू है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो यू है। दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टी ज़ीरो, जब टाइम ज़ीरो है, जब अभी स्टार्ट नहीं किया उसने मूव करना। बॉडी एक्सेलेरेट्स यूनिफॉर्मली विद एन एक्सेलेरेशन ए, ए एक्सेलेरेशन से वो मूव कर रही है। लेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बी वी आफ्टर द टाइम टी, टी टाइम के बाद, ये देखिए टी टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई, वो वी पे पहुंच गई, ऐसे स्ट्रेट लाइन उसने ट्रैवल किया ना, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ये बना दिया, स्ट्रेट लाइन बना। इसका डेरिवेशन क्या होती है, एक्सेलेरेशन क्या होता है, एक्सेलेरेशन हम क्या करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, वेलोसिटी टाइम एक्सेलेरेशन क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, बी एम अपॉन में टाइम, टाइम कितना है ये जो हम लेते हैं एज यूजुअल, बी एम फाइनल माइनस इनिशियल वी माइनस यू बाय में टी। तो यहाँ से वी माइनस यू को ए टी लिख दिया, वी उधर चला जाएगा यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला बन गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ये। फिर आते हैं डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई बॉडी की टाइम टी में, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी पी के इक्वल इसके इक्वल हुआ, एस हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में एल्टीट्यूड, ये हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे हम, एस इक्वल में हाफ इंटू ओ ए प्लस पी बी इंटू ओ पी, हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू में टी, हाफ इंटू में यू प्लस वी का फॉर्मूला पीछे निकाला था, यू प्लस ए टी इंटू में टी हो गया। ठीक है, फिर हाफ इंटू में टू यू प्लस ए टी इंटू में टी, हाफ इंटू टू यू प्लस हाफ इंटू ए टी इंटू टी, एस क्या आ गया यहाँ से, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये क्या बन गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आती है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन टाइम टी इक्वल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी पी, एस हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू ऑल्टीट्यूड, हाफ इंटू ओ ए प्लस पी बी इंटू ओ पी, हाफ यू प्लस वी इंटू में टी, यू प्लस वी टी, टी ऊपर निकाला था वो जो फर्स्ट वाली इक्वेशन निकाली थी ना, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वहाँ से टी निकाल लिया, वी माइनस यू बाय में ए, एस आ गया यहाँ से, यू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय में टू ए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए, एस आगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड मेथड आता है इनको डिराइव करने का। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, पहले यहाँ रिमेंबर पढ़ लेते हैं, जब यू ज़ीरो है इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएंगी, वी ए टी एस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर टू ए एस के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, एक्सेलेरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ए इक्वल्स टू वी माइनस यू बाय में टी, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सिंपल ही आ गई।
अब सेकंड क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है, तो एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हमने क्या कहा था, अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है तो यू प्लस वी बाई में टू ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, एवरेज वेलोसिटी इनटू में टाइम, एस यू प्लस वी इनटू में टी। अब यू प्लस यू, यू को टू टाइम्स लिख लिया हमने, यू प्लस ए टी बाई में टू, अच्छा वी की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे, यू प्लस ए टी बाई में टू तो था ए टी, एस को सॉल्व करेंगे सिंपल फॉर्मूला आ जाएगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, टी इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई में ए, फर्स्ट इक्वेशन से निकाली सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दी एस की में टी की वैल्यू, बस यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस सिंपली आ जाएगा, वी इक्वल्स टू यू प्लस टी। अब तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस में क्या है, तीनों क्वालिटीज़ इकट्ठी नहीं है, इसमें एस प्रेजेंट नहीं है, सेकेंड वाली में वी प्रेजेंट नहीं है, थर्ड वाली में टी प्रेजेंट नहीं है। ईच इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, फोर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनके पास, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्टिक्स हम तभी देखेंगे जब हम न्यूमेरिकल सेक्शन करेंगे। लास्ट टॉपिक, इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड, इसका मोशन क्या कहेंगे हम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इज़ अ बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड होगी या नॉन एक्सेलरेटेड होगी, बॉडी एक्सेलरेटेड होगी अगर उसकी स्पीड और डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्पीड कॉन्स्टेंट है, तो आंसर टू द अबव क्वेश्चन डिपेंड करेगा वेदर द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस और नॉट, ठीक है। टू चेक दिस कंसिडर द फॉलोइंग फोर सिचुएशंस हम कंसिडर करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक कंडीशन को यहाँ पे कंसिडर किया, ये वाली एक स्केयर है, स्केयर के अराउंड कोई यहाँ पे स्केयर पार्क में कोई रनिंग कर रहा है, ठीक है। फोर पॉइंट्स ले लिया उसने, एक दो तीन चार, ए बी सी डी चार कॉर्नर्स हैं, ठीक है। रनिंग स्केयर ट्रैक में हो रही है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वन राउंड के लिए आपको चेंज कितनी डायरेक्शंस करनी पड़ेंगी, फोर इंस्टेंट्स पे, फोर कॉर्नर्स हैं क्योंकि, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम एस फोर इंस्टेंट्स एंड कॉर्नर्स ऑफ द स्केयर ए बी सी डी, डायरेक्शन चेंज होगी मतलब यहाँ पे एक्सेलेरेशन का रोल है। अब सपोज करेंगे रन कर रहे हो हेक्सागोनल ट्रैक पे, अब ये रहा हेक्सागोनल ट्रैक, ए बी बी ए सी आएगा यहाँ पे, ए बी सी सी डी ई एफ, ठीक है। यहाँ पे छः पोजीशंस चेंज होंगी यहाँ पे, ठीक है। हेक्सागोनल ट्रैक पे जब हम घूम रहे हैं मतलब कि रनिंग हो रही है, दिस टाइम यू विल हैव टू चेंज योर डायरेक्शन सिक्स टाइम्स, ठीक है, वाइल टेकिंग अ राउंड। अब नेक्स्ट है ट्रैक ये वाला, इसमें बहुत सारे टाइम्स डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो 16 साइड्स हैं इसकी, तो आपको कितनी बार चेंज करनी है डायरेक्शन, 16 टाइम्स। सर्कुलर है, अब सर्कल पॉलीगन है, इसके इनफाइनाइट साइड्स हैं, बहुत सारी साइड्स हैं इसके, बहुत स्मॉल स्मॉल होती हैं इसके, इनफाइनाइटली स्मॉल होती हैं। इफ़ यू आर रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक यू चेंज योर डायरेक्शन इनफाइनाइट टाइम इन वन राउंड, एक राउंड में बहुत सारी बार डायरेक्शन चेंज करोगे। फोर आर्बिट्ररी पॉइंट्स ऑन द सर्कुलर पाथ एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन एट दिस पॉइंट्स, फोर आर्बिट्ररी को भी हमने अपनी मर्जी से मान लिए पॉइंट, ये पॉइंट्स डायरेक्शन दिखाती हैं टेंजेंशियल। सिंस द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ केस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन के केस हैं। अगर रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ जो है वो आर है, देन इन वन राउंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी है इक्वल किसके हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस के, ठीक है। और टाइम जो टेकन है कम्प्लीटली राउंड, वी अगर कॉन्स्टेंट स्पीड है तो वी क्या हो जाएगा, टू पाई आर बाय में टी, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स आते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जब मूव कर रही है सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट अ बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेटेड होती है, तो ये एक्सेलरेशन डायरेक्ट करेगी टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। फोर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्सेलरेशन कौन सा होगा, सेंट्रिपिटल फोर्स। अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड, व्हेन ए बॉडी मूव्स विद कॉन्स्टेंट स्पीड इट्स एक्सेलेशन क्या हो जाएगी, जीरो। द बॉडी मूव करेगी कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ, एक्सेलेशन क्या होगी इसकी, जीरो। इसका क्या याद रखना है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो कॉन्स्टेंट रहेगी, बट जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, चेंजिंग होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई वीडियो। Please like, subscribe, share and comment, and don't forget to press the bell icon. Thank you so much.